हाय गाइस वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आज का जो वीडियो है वो हमारा है एवोल्यूशन क्लास ट्वेल्व बायोलॉजी का चैप्टर है ये इसका टॉपिक पढ़ेंगे हम आज अडेप्टिव रेडिएशन ठीक है चलिए लेट्स बिगिन चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी तो अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो देखिएगा मेरा एवोल्यूशन पे अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो नए व्यूअर्स हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्लास ट्वेल्व बायोलॉजी की में एवोल्यूशन जो चैप्टर है उसको मैंने ना पार्ट से बनाया तो ये थर्ड या थर्ड पार्ट के आसपास है उसका तो आप उसको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी देखो तभी आपको ठीक से समझ में आएगा पहले उसमें मैंने बताया था कि एवोल्यूशन कैसे होता है डारविन कौन थे और कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है तो दो पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुका हूँ तो पहले आप वो दोनों पार्ट देखो क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में एवोल्यूशन बीच में से आप देख रहे हो डायरेक्टली तो शायद आपको समझ में ना आए ठीक है तो बात करते हैं डार्विन के ऊपर तो डार्विन जो थे वो निकले थे इंग्लैंड से और जो मेन जिस चीज के लिए फेमस है वो कि जो उन्होंने मेन जो डिस्कवरी की थी ठीक है वो की थी गैलपेगोस आइलैंड में अब गैलपेगोस आइलैंड कहाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको मैप में भी आप ध्यान रखो साउथ अमेरिका है जो ठीक है साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड पर साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड पे है ये ऐसे आइलैंड है ठीक है अराउंड दस ग्यारह आइलैंड है तो इनको बोलते हैं गैलपेगोस आइलैंड ठीक है island, कभी लाइफ बहुत लोग इस पर यहाँ पे ट्रैवल करने भी जाते हैं ठीक है थीके? तो जब आप लोग बड़े होंगे जब आप लोग पैसा कमा के इंडिपेंडेंट हो जाओगे ठीक है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी तो उस टाइम पे आप यहाँ पे घूमने के लिए जब वर्ल्ड ट्रैवल में निकलोगे तो यहाँ जा सकते हो इट्स अ वेरी गुड प्लेस ठीक है तो यहाँ लोग जाते हैं टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए कि डारविन ने क्या देखा चलो बात करते हैं वापस इस पर आते हैं अब गैल पे को गए थे एच एम बीगल नाम की इनकी शिप थी ठीक है तो वहाँ पे गए अब इन्होंने क्या देखा डार्विन ने ठीक है तो जो इन्होंने देखा ना उसको समझने के लिए अगर हमें समझना है तो हमें पहले दो स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे होमोलोगस और स्ट्रक्चर देखो होमोलोगस स्ट्रक्चर को समझने के लिए देखो पहले आप ये देखो वर्ड क्या है होमो मतलब सेम लोगस मतलब आप समझ लो एनसिस्टर तो उस नाम से क्या समझ में आ रहा है कि सेम एनसिस्टर है ठीक है अब क्यों हम बोल रहे हैं सेम एनसिस्टर ये देखिए ये ह्यूमन का हाथ है ये डॉग का फोर लिंब है फोर लिम्ब मतलब होता है आगे वाला हिस्सा जैसे मान लो ये डॉग है ठीक है थीके? तो ये डॉग है तो इसके आगे के दो पैर हैं ये पीछे के दो पैर हैं तो ये इस केस में ये इसके फोर लिंब हो गए ठीक है ह्यूमन के केस में फोर लिम्ब क्या हो गया हमारे केस में हैंड है ठीक है तो ये ह्यूमन का आप देख सकते हो हाथ है ये डॉग के आगे के फोर लिंब है डॉल्फिन के इस तरह से ये फोर लिंब है और ये बैट का फोर लिंब है अगर आप तीनों का स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो स्ट्रक्चर बहुत सेम है ठीक है आप ये देखो जो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है क्योंकि ये तो कोई हड्डी है ह्यूमन की इसको ह्यूमरस बोलते हैं फिर जो हड्डियाँ हैं देखो सेम रेडियस अलना ऐसे ही रेडियस अल्लाना यहाँ पे भी है रेडियस अल्लाह यहाँ पे भी है रेडियस अलना ये इनका भी रही पीछे से स्ट्रक्चर ये ह्यूमरस भी आ रहा है देखो सब में एक सिमिलैरिटी है ह्यूमरस चारों में है चारों में रेडियस अल्लाह इस तरीके से है ये देखो चारों में आपको मिलेगी ठीक है और फिर ये तर, ये आपका मेटाकार्पल और कार्पल्स आ जाते हैं ठीक है तो ये आपके कार्पल और मेटाकार्पल आ गए ये देखो तो हम देख रहे हैं कि भले ही स्पीशीज तो अलग अलग है ह्यूमन अलग स्पीशीज है डॉग अलग स्पीशीज है डॉल्फिन अलग स्पीशीज है फ्रूट बैट अलग स्पीशीज है अलग स्पीशीज होने का क्या मतलब होता है कि अगर ये आपस में इंटरब्रीड करती हैं तो जो इनका ऑफ स्प्रिंग होगा वो फर्टाइल नहीं होगा ठीक है तो जो, तो जो दो स्पीशीज अगर आपस में इंटरब्रीड करती हैं अलग डिफरेंट स्पीशीज दो डिफरेंट स्पीशीज अगर इंटरब्रीड करेंगी तो जिनका ऑफस्प्रिंग होगा जो बच्चा होगा फर्टाइल नहीं होगा वो आगे बच्चे नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये स्पीशीज की डेफिनेशन इस तरीके से होती है है ठीक तो ये अलग अलग स्पीशीज हैं ह्यूमन अलग है डॉग अलग है डॉल्फिन अलग है बैट अलग है हम सब जानते हैं स्पीशीज अलग है ठीक है लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि इनके स्ट्रक्चर हाथ का स्ट्रक्चर सेम है फोर लिम जो है इन चारों में अलग अलग स्पीशीज होने के बावजूद भी चारों का ये फोर लिम सेम है तो इससे क्या आइडिया लगता है कहीं ना कहीं पीछे पास्ट में इन सब का चारों का जो एक एनसेस्टर है वो कॉमन रहा होगा ठीक है तो इससे हमें ये सिग्नल मिलता है कि कहीं ना कहीं ये कॉमन एनसेस्टर से ही निकले हैं सारे कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक कॉमन एंसेस्टर से ही निकले हैं बाद में फिर ये ऐसे डाइवर्ज हो गए हैं ठीक है इसे हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर क्योंकि ये कॉमन एनसेस्टर से निकले हैं तो आप यहां भी देख सकते स्ट्रक्चर क्या होते हैं सिमिलर ऑर्गन्स शेयर ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट सजेस्ट अमन एनसेस्टर तो ये इम्पोर्टेंट है तो सेम एनसेस्टर से निकले हैं ये चारों जो हैं पीछे अगर हम जाते हैं ऐसे ट्री ऑफ लाइफ है पीछे की तरफ जाते हैं तो आप देखोगे जो इनका एंसेस्टर है कॉमन है ठीक है अब ये जो अभी आपको आगे समझ में आएगा ये अडेप्टिव रेडिएशन में ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है क्योंकि होमोलोवा स्ट्रक्चर ना बनाता है आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ठीक है डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोल बोल लो लो या आप रेडिएशन ठीक है तो एक कॉमन एक कॉमन एनसिस्टर से निकल के मतलब एनसिस्टर एक कॉमन है यहां पे कॉमन एनसिस्टर है तो अलग अलग बन गई स्पीशीज यही तो है एस वन एस टू एस थ्री एस फोर यही तो हमने देखा यहाँ पे कि चारों ये एस वन मान लो ये एस टू मान लो ये स्पीशीज अलग मान लो ये स्पीशीज अलग मान लो ये स्पीशीज अलग मान लो चार स्पीशीज हैं लेकिन पीछे अगर हम जाते हैं इन चारों स्पीशीज का तो एक इन्सिस्टर कॉमन होगा ठीक है पास्ट में तो ये क्या है स्टार्टिंग कॉमन इंसिस्टर्स हो ही फिर बाद में ये सब अलग अलग हुआ है हो गए ठीक है तो उसको डायवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोला जाता है या उसको एडेप्टिव रेडिएशन भी बोला जाता है अभी थोड़ा सा आगे उसको और डिटेल में समझेंगे अब दूसरा स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें बटरफ्लाई की है. है? Insect, ये है, इसकी भी विंग है. और चमकादड़ की, की, की भी विंग है देखने में सब कुछ सेम लग रहा है तो आपको लग रहा होगा कि जब इनके स्ट्रक्चर सेम है तो कहीं ना कहीं ये पीछे एंसेस्टर भी कॉमन होगा इनका देखने में लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा है नहीं ठीक है तो क्या हो रहा है देखने में लग रहे हैं सिमिलर लग रहे हैं स्ट्रक्चर लेकिन ये इनका जो एंसिस्टर है पीछे का रिलेटेड नहीं है ठीक है दे डोंट हैव कॉमन है इनके केस में कॉमन एनसिस्टर नहीं है ये तीनों के एनसिस्टर चाहे बर्ड हो चाहे यहां बटरफ्लाई हो चाहे चमकाड़ो इनके एनसिस्टर अलग अलग थे अलग अलग एनसिस्टर थे इनके एनसिस्टर के सेम ही थे सबके डिफरेंट एनसिस्टर थे बर्ड का कोई डिफरेंट एनसिस्टर था बटरफ्लाई का डिफरेंट एनसिस्टर था बैट का डिफरेंट एनसिस्टर था पीछे पास में कॉमन एनसिस्टर से ही निकले लेकिन फिर भी इनके स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं देखने में सेम लग रहे हैं ना स्ट्रक्चर आप देखोगे स्ट्रक्चर कितने सेम लग रहे हैं भाई है, है, इसके भी यहाँ पे पंख है पंख जैसे हैं इसके भी पंख जैसे हैं इसके भी पंख जैसे हैं तीनों के पंख हैं लेकिन फिर भी पीछे एनसिस्टर कॉमन नहीं है इसे हम बोलते हैं एनालॉग स्ट्रक्चर ठीक है तो सिमिलर होते हैं देखने में स्ट्रक्चर बट कोई इनकी एंसेस्ट्री पीछे जो होती है वो कॉमन नहीं होती ठीक है तो इसे हम ये भी बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ठीक है वेन टू स्पीशीज दैट आर नॉट रिलेटेड थ्रू अ रिसेंट कॉमन एंसेस्टर बिकम मोर सिमिलर मतलब पीछे एंसेस्टर कॉमन नहीं है लेकिन क्योंकि इनके स्ट्रक्चर एक जैसे हैं तो ये आपस में सिमिलर होते जा रहे हैं एक जैसे बनते जा रहे हैं, ठीक तो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ठीक है लेकिन ये तीनों ही चाहे हम यहाँ बर्ड ले लें अलग अलग एनसेस्टर हैं यहाँ बैट ले लो यहाँ बटरफ्लाई ले लो एनसिस्टर तीनों के अलग है लेकिन यहाँ पे अब सब एक जैसे होते जा रहे हैं ठीक है तो क्या हो रहा है कन्वर्ज हो रहा है ऐसे तीनों मिल रहे हैं आगे आके स्ट्रक्चर एक जैसे हो गए तो एक जैसे ही लग रहे हैं ठीक है थीके? अब ये होता कब है ठीक है अब यहां पे आपको समझ में आएगा हमने दो चीजें पढ़ी पीछे जो होमोलोगा स्ट्रक्चर हैं वो होते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में काम करते हैं और जो एनालोगा स्ट्रक्चर हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में काम करते हैं ठीक है अब आपको यहां पे समझ में आएगा एक तरीके से मैं आपको बताऊं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ठीक है एडेप्टिव रेडिएशन समझते हैं पहले कि है क्या अब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा देखो जब डार्विन गए थे ना डार्विन कहाँ गए थे आइलैंड गए थे तो डार्विन ने क्या देखा था उन देखापे आइलैंड में जैसे ये आइलैंड आइलैंड था ठीक है तो उन्होंने देखा कि स्टार्टिंग में एक कॉमन एंसेस्टर था एक बर्ड थी इसको डार्विन फिंचेस भी बोला जाता है ठीक है इसको डार्विन फिंच बोलते हैं डार्विन फिंच डार्विन ने जो वहां पे बर्ड देखी उसको डार्विन फिंच बोलते हैं आज की डेट में डार्विन ने देखा उस आइलैंड पे ये पूरा मान लो आइलैंड है ये पूरा आइलैंड है तो स्टार्टिंग में एक कॉमन एनसेस्टर था वो सारा वो क्या खाता था सी डीटिंग था ठीक है मतलब यहाँ पे मान लो पचास बर्ड्स थी एक तरीके से पचास ग्रुप ऑफ बर्ड था मतलब पचास बर्ड्स एक साथ रहती थी और सारी की सारी क्या आती है सी डीटिंग थी क्या थी सी डीटिंग थी अब मान लो इस आइलैंड के इस कोने में यहां पे पड़ा हुआ है कैक्टस ये पड़ा है कैक्टस ठीक है और मान लो इस एरिया में पड़ा हुआ है फ्रूट ठीक है इस एरिया में पड़ा हुआ है इस कलर चेंज कर लेते हैं इसका इंसेक्ट अब देखते हैं मान लीजिए इस पचास में से दस तो यहां चली गई कैक्टस वाले एरिया में बर्ड्स निकल के दस आ गई फ्रूट वाले एरिया में ठीक है और दस आ गई इंसेक्ट वाले एरिया में अब क्या होगा क्योंकि ये पचास में से ठीक है दस चली गई कैक्टस वाले एरिया में दस चले गई फ्रूट वाले एरिया में दस चली गई बर्ड्स इंसेक्ट वाले एरिया में तो अब हुआ क्या धीमे धीमे ये बर्ड्स तो यहां पे सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगी ठीक है आप समझ रहे हो बात को अब हुआ क्या जैसे मान लो यहाँ पे सारी की सारी बर्ड्स चली गई जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे दस है मान लो स्टार्टिंग में गई थी पचास की पचास यहाँ पचास गई अब उन पचास में से सिर्फ यहाँ पे वही बर्ड्स सर्वाइव कर पाएंगी मान लो दस बर्ड्स ऐसी हैं जो कैक्टस खा सकती हैं बाकी चालीस बर्ड कैक्टस नहीं खा सकती समझ रहे हो तो वापस फिर ये यहाँ पे दस ही बर्ड्स रहेंगी जो कैक्टस खा सकती तो हैं क्योंकि वही तो यहाँ सर्वाइव कर पाएंगी बाकी चालीस तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी वही बर्ड्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगी जो कैक्टस खा सकती हैं जो जो बर्ड्स कैक्टस नहीं खा सकती ठीक है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा फिर ये बाकी बची हुई जाएंगी मान लो यहाँ पे चालीस आ गई अब ये चालीस के चालीस तो फ्रूट नहीं खा सकती मान लो उन उन, उन बर्ड्स में से सिर्फ दस ही बर्ड्स ऐसी हैं हैं जो फ्रूट खा सकती तो ये, ये वाली सिर्फ बर्ड करेंगी फिर यहाँ तीस मान लो यहां आ गई बची हुई यहां आ गई अब ये सारी की सारी इंसेक्ट्स नहीं खा सकती मान लो कुछ ही इंसेक्ट्स खा सकती हैं तो कुछ ही यहाँ सर्वाइव करेंगी तो ऐसे करते करते क्या होगा वही बर्ड्स यहाँ पे रह पाएंगी इस एरिया में कैक्टस वाले में जो कैक्टस खा सकती हैं इस वाले एरिया में वही बर्ड सर्वाइव करेंगी जो फ्रूट खा सकती हैं इस वाले एरिया में वही बर्ड सर्वाइव करेंगी जो इंसेक्ट खा सकती हैं तो धीमे धीमे क्या होगा क्योंकि यही वाली बर्ड सर्वाइव कर रही हैं तो यही यहाँ पर फिर मेटिंग करेंगी यही आगे रिप्रोड्यूस करेंगी तो इस एरिया में धीमे धीमे क्या होगा वो वाली बर्ड्स धीमे धीमे हमें देखने को मिलेगा विद टाइम की सिर्फ वही वाली बर्ड सर्वाइव कर रही हैं जो कैक्टस खा पा रही हैं और स्लोली 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 विद टाइम हजारों साल बाद लाखों साल बाद जल्दी नहीं होता हजारों लाखों साल बाद क्या होगा ये वाली एक अलग ही स्पीशीज बना लेंगी ठीक है तो इसकी मान लो चोंच कुछ ऐसी हो जाएगी मान लो स्टार्टिंग में चोंच यहाँ पे इनके एंसेस्टर की लाखों साल पहले यहीं से तो निकले हैं ये इनकी चोंच मान लो ऐसे थी लेकिन कैक्टस क्योंकि ये कैक्टस इसी ये इस एरिया में आ गए लाखों साल पहले अपने एंसेस्टर वाले एरिया को छोड़ दिया जो बीच में रहते थे इधर आ गए तो धीमे 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 लाखों साल बाद इनकी स्पीशीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी मतलब ये वाली जो बीच में स्पीशीज थी

कॉमन था कॉमन था इनका लेकिन हजारों साल बाद लाखों साल बाद यह बिल्कुल बन गई. ये देखो. इसकी बीक कैसे है? की. और आप देखो यह बिल्कुल, 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 बिल्कुल अलग हो गए इनकी बिल्कुल चोच अलग हो गई इनकी चोच बिल्कुल अलग हो गई इनकी चोच बिल्कुल अलग हो गई इनकी चोच अलग हो गई ये देखो ये बिल्कुल अलग स्पीश बन गई अब ये लाखों साल बाद ठीक है लाखों साल बाद अगर ये वाली बर्ड इस वाली बर्ड के साथ अगर मीटिंग करेगी ना तो जो मीटिंग हो नहीं पाएगी और अगर होती भी है तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो फर्टाइल नहीं होगा क्योंकि अब ये बिल्कुल अलग स्पीशीज बन चुकी है ये स्पीशीज अलग है और ये स्पीशीज बिल्कुल अलग हो चुकी है ठीक है तो बिल्कुल ये अलग स्पीशीज बन जाती है लेकिन स्टार्टिंग कहां से होती है एक कॉमन एनसेस्टर से ही होती है ठीक है तो स्टार्टिंग कॉमन से हुई फिर बाद में सब क्या हुआ ये डाइवर्ज हुआ है इससे बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या इसको आपकी बुक में बोला हुआ है एनसीआर में अडेप्टिव रेडिएशन समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग कॉमन एनसेस्टर से होगी लेकिन विद टाइम विद टाइम ये अलग-अलग स्पीशीज -अलग में डाइवर्ज होती जाएंगी। time, ठीक है टाइमेंट के का प्रेशर ऐसा है सर्वाइव करमेंट तो के प्रेशर के हिसाब से ये अलग अलग बिल्कुल अलग स्पीशीज बन जाएंगी तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन ठीक है और जो कन्वर्जेंट था वो बिल्कुल उल्टा था ठीक कन्वर्जेंट में क्या होता है कि अलग होते हैं कॉमन नहीं होते लेकिन उनको ऐसे एनवायरमेंट में डाल दिया जाता है कि सारे धीमे धीमे एक जैसे उन लगते हैं जैसे कि अब इसका एग्जांपल यहां समझ में आगा ये उसका उल्टा है कन्वर्जेंट का ये देखो ये डॉल्फिन है डॉल्फिन एक मैमल है मैमल क्या होता है जो डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करता है जैसे इंसान क्या इंसान मैमल है ठीक है तो इंसान जब प्रोड्यूस करता है तो यंग वन प्रोड्यूस करता है बेबी के फॉर्म में ठीक है और मैमल्स के मेमरी ग्लैंड होते हैं ठीक है जैसे कि ह्यूम में मेमरी ग्लैंड होते हैं ठीक है जिसको ब्रेस्ट बोला जाता है तो मेमल्स में मेमोरी ग्लैंड होते हैं और डायरेक्टली हम यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं शार्क क्या है शार्क एक फिश है फिश है ये मैमल नहीं है फिश एग्स देती है ठीक है डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ नहीं देती तो फिश का और डॉल्फिन का जो एनसेस्टर है बिल्कुल अलग है मान लो उसका एनसेस्टर ए वन है इसका एनसेस्टर होगा कुछ ए टू तो एनसेस्टर तो बिल्कुल अलग है लेकिन क्योंकि इनका एनवायरमेंट सेम है एनवायरमेंट तो सेम ही है दोनों ही समुद्र में रह, रह रही हैं दोनों ओशन में रहती हैं ठीक है दोनों कहां रहती हैं ओशन में एनसिस्टर दोनों को अलग था बिल्कुल अलग था लेकिन एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है तो क्या हो रहा है धीमे धीमे आप देखोगे ये एक जैसी होती जा रही है रहे हो बिल्कुल स्ट्रक्चर एक जैसा होता जा रहा है इसके भी ऐसा हो गया इसके भी ऐसा हो गया इसके भी ये निकलाए इसके भी ये निकल आए इसके भी ये निकलाए एनसिस्टर अलग है लेकिन क्योंकि एनवायरमेंट सेम है तो एनवायरमेंट पुश कर रहा है कि विध टाइम विध टाइम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगने लगेंगे अब एक एक कमाल की बात बताता आपको जैसे कि मान लो आप एक जंगल में बिल्कुल दो अलग स्पीशीज ले आओ ठीक है आज की डेट में आप बिल्कुल अलग स्पीशीज डाल दो एक स्पीशीज बिल्कुल अलग है एक स्पीशीज बिल्कुल अलग है ठीक है एक एक, एक ऐसा दे दो जो सेम एनवायरमेंट है दोनों के लिए तो आज से लाखों साल बाद अभी नहीं लाखों साल बाद आप देखोगे भले ही दोनों अलग अलग स्पीशीज थी देखने में अलग अलग थी लेकिन लाखों साल बाद आप देखोगे वो बिल्कुल सेम होती जाएंगी एक जैसे लगना स्टार्ट हो जाएंगी क्यों क्योंकि एनवायरमेंट का प्रेशर इस तरीके से है एनवायरमेंट में ऐसी कंडीशन है कि दोनों को सर्वाइव करने के लिए एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट होना पड़ेगा और जब वो अडेप्ट होते जाएंगे ठीक है तो धीमे धीमे एक जैसे लगने स्टार्ट हो जाएंगे बिल्कुल 100 परसेंट सेम नहीं होता लेकिन सिमिलरिटी दिखना स्टार्ट हो जाती है आपको स्ट्रक्चर्स में क्योंकि एनवायरमेंट एक जैसा है भले ही एनसिस्टर उनके पीछे अलग रहे हो जैसे मैं वही बता रहा हूं आपको डॉल्फिन का एनसिस्टर बिल्कुल अलग है इसका एनसिस्टर बिल्कुल अलग है लेकिन क्योंकि दोनों एक ही एनवायरमेंट में रह रहे हैं दोनों पानी में रह रहे हैं ठीक तो है थीके? तो एनवायरमेंटल प्रेशर सेम है ठीक है तो विध टाइम ये दोनों एक जैसे लगने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आप देख रहे हो ठीक है तो और ये ऐसा नहीं कि पहले दिन से एक जैसे लगने स्टार्ट हो गए थे ये लाखों साल बाद जाके होता है ये चीज एवोल्यूशन जो होता है ठीक है तो एक तो हमने पढ़ा एडेप्टिव रेडिएशन या जिसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं दूसरे को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवल्यूशन ठीक है तो आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो ये भी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ठीक ठीक है 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 ये ऑस्ट्रेलिया 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 का में अब में अब काफ़ी माना जाता है ऑस्ट्रेलिया प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए ठीक है फॉर फ्लोना के लिए काफी माना प्लांट्स एनिमल्स के लिए काफी फेमस है ऑस्ट्रेलिया ठीक है अभी मौका मिलेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जरूर जाना ठीक है घूमने के लिए गाइड लेके तो अब देखो ये बिल्कुल अलग हैं इनके एंसेस्टर बिल्कुल अलग हैं ये जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं इनके एंसेस्टर अलग हैं ए वन मान लो इनके ऑस्ट्रेलियन मेरसिनल हैं इनके एंसेस्टर अलग हैं ए टू मान लो तो एंसेस्टर तो बिल्कुल अलग हैं लेकिन क्योंकि दोनों ही एक ही जगह रहते हैं मान लो दोनों ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहते हैं तो क्या हो गया एनवायरमेंट तो सेम हो गया तो विद टाइम क्या हुआ भले ही दोनों के एंसेस्टर अलग हैं दोनों अलग स्पीशीज हैं लेकिन हम देखते हैं कि लाखों साल के बाद ठीक है एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से ये सब एक जैसे लगने लगते हैं बिल्कुल सेम जैसे सेम टू सेम लग रहे हैं देखो ये वाला भी और ये वाला भी बिल्कुल सेम लग रहा है ये वाला भी और ये वाला भी इसमें सिमिलैरिटीज दिखाई देना स्टार्ट हो रही है क्योंकि दोनों का एनवायरमेंट सेम है भले ही सिस्टर पीछे लग रहे हो लेकिन एनवायरमेंट के प्रेशर के हिसाब से ये धीमे धीमे एक जैसे लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये क्या है एक तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो मैंने आपको दो चीज़ समझाई डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो है तो काइंडली उसको आपको शेयर जरूर करिएगा नाइस डे बाय टेक केयर